अस्सलाम वालेकुम। आज हम डोडा शरीफ के दरबार जामा कादरिया कासमिया डोडा शरीफ के पास आए हैं। आज आपको विजिट करवाते हैं डोडा शरीफ के दरबार का। आए चलते हैं, ये मेन गेट है, यहाँ से दाखिल होते हैं और सबसे पहले ये गार्डन आता है, ये यहाँ पर आकर आराम करते हैं। देखें यहाँ पर कुछ नौजवान बैठे हुए हैं वो, और उसके साथ ये वॉशरूम है, और ये है जी दोस्त, इसको हम साथ लेकर विजिट करते हैं। आपने ये मस्जिद भी बनी हुई है जो अभी ज़ेर तमीर है, देख सकते हैं इधर हम इस मेरे साथ। और अभी यहाँ से दाखिल होता है दरबार शरीफ मस्जिद की एंट्री का, यहाँ से यहाँ पर जो है वो जूता जो है ना वो जमा करवाते हैं और कार्ड लेते हैं, और उसके साथ यहाँ पर आकर वज़ू करते हैं, वज़ू खाना भी बना हुआ है माशाल्लाह। और सबसे पहले यहाँ से टोपी लेते हैं और अंदर दाखिल हो जाते हैं। और इस जगह पर ना जैसा कि रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं और यहाँ पर फितराना जमा होता है माशाल्लाह से, फितराना जो है वो अभी तकरीबन 300 रखा गया हुआ है। और उसके साथ ही नज़दीक जो है ना वो शॉप है, अगर किसी मदरसे के तालिबे इल्म को कोई चीज़ चाहिए होती तो यहाँ पर आकर वो चीज़ खरीद लेते हैं। उसके साथ अब ये मस्जिद का सेहन है, ये ओवरऑल व्यू है मस्जिद का, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये कुछ बच्चे हैं, ये तो काफ़ी बैठे हुए हैं, और ये देखें माशाल्लाह से ओवरऑल व्यू है ये दरबार मस्जिद डोडा शरीफ का। बहुत वसी मस्जिद है, और मस्जिद का जो अंदर वाला हिस्सा ना उसका जो नक्शा ना वो आपको बाद में दिखाते हैं। सबसे पहले ये है जी शाहगरीब, यहाँ पर बुजुर्गों की कब्रें हैं, वो सबसे पहले दरबार अली कादरिया कासमिया डोडा शरीफ की जी कब्रें हैं, यहाँ पर बुजुर्ग की कब्रें हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह हू अकबर, ये देख सकते हैं जी 5 कब्रें हैं। ये जद्दी कुश्ती, ये सबसे पहले हज़रत पीर गुल पीर साहब की कब्र है, ये उनके बेटे हैं हज़रत पीर सईद मीर साहब, और ये हज़रत सईद अमीर साहब के दो बेटे हैं हज़रत मोहम्मद शफ़ी और पीर मोहम्मद अहमद शाह, और पीर मोहम्मद हैदर शाह, और पीर मोहम्मद हैदर शाह साहब के ये बेटे हैं पीर मोहम्मद अहमद शाह साहब। और उसके बाद यहाँ पर दुआ करते हैं इनकी बख्शिश के लिए, और उसके बाद यहाँ पर ये कुछ सामान पड़ा हुआ है बुज़ुर्गों का। और अब चलें आपको दिखाते हैं बाहर मस्जिद का अंदर का सहन, और इस मज़ार से निकलने के बाद ये व्यू है मस्जिद का, बहुत वसी मस्जिद का नज़ारा। और उसके साथ ये जो आप देख रहे हैं ये मदरसा है बच्चों का, यहाँ पर तकरीबन 1000 से 1500 तालिब इलम जो है ना वो ज़ेर तलीम है। और उसके सामने ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये लड़कियों का मतलब मदरसा है, इसमें भी माशाल्लाह ज़ेर तलीम है, बच्चियाँ पढ़ रही हैं तकरीबन 500 से 600। और अब आपको मस्जिद के अंदरून का हिस्सा दिखाते हैं, और ये मस्जिद का व्यू है अंदर से, ये तकरीबन 350 तक का मसले पड़े हुए हैं यहाँ पर, और तकरीबन जो है ना 1000 तक अफराद जो है ना यहाँ मस्जिद के नमाज अदा कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं अभी ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये तो काफ़ी बैठे हुए हैं, जैसा कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और ये तो काफ़ी बैठे हुए हैं सारे, और आखिरी रोज़ है तो उम्मीद यही की जा रही है कल ईद होगी। ये देख सकते हैं तकरीबन 1000 अफराद यहाँ जाते हैं, और जब आपको बाहर का व्यू दिखाया था पहले भी, और तकरीबन जो है ना यहाँ पर 4-5 हज़ार बंदे जो है वो बाहर में सहन में आ जाते हैं। तो ये था व्यू आपको दिखाया दरबार अलिया कासमिया डोडा शरीफ का। तो उम्मीद करते हैं आपको दरबार अलिया कादरिया कासमिया का व्यू अच्छा लगा होगा, और ये जो दरबार है ना दुनिया भर में बहुत मशहूर है, और उम्मीद ये की करते हैं आपसे कि आप भी यहाँ पर आएँ और आकर यहाँ पर नमाज अदा करें, और बुज़ुर्गों का जो है ना वो शर्फ हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया।